आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। ओपी शर्मा के मायाजाल की रंगीन दुनिया में सक्रेट ओपी शर्मा।
नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद हैं हिंदुस्तान के मशहूर जादूगर ओपी शर्मा जी। चलिए इनसे जानते हैं इनकी निजी जिंदगी के बारे में। जी शर्मा जी, आपने अपने जीवन की शुरुआत कैसे करी? हम अपने जीवन की शुरुआत जादू लाइन में, क्लास टू में थे तब से मैं अपना जादू का खेल दिखाता हूँ, और धीरे धीरे पढ़ाई के साथ हमने इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग के बाद इंजीनियर रहे, उसके बाद 71 से कमर्शियल शो देना शुरू किए, और हमारे धीरे धीरे पहले एलोन शुरू किया, धीरे धीरे परिवार के लोग जुड़े, और अब इस समय 200 आदमी का स्टाफ है और लगभग 20 ट्रक सामान हो गया है। हिंदुस्तान में इकलौता ऐसा शो है जिसे ISO ने सर्टिफाई किया, और अभी तक 37,300 से ज़्यादा शो दे चुके हैं। जब आपने जादुई दुनिया की शुरुआत करी तो क्या आपके माँ बाप ने इसमें साथ दिया? नहीं, उस समय तो बिल्कुल साथ नहीं देते थे। वो कहते कि बेकार लड़का निकल रहा है, पढ़ाई की तरफ इसका ध्यान नहीं है। लेकिन उन्होंने देखा कि पढ़ाई में भी अव्वल फर्स्ट पोजीशन अपने क्लास में आने लगा, और लोग मीडिया के लोग आने लगे, अधिकारी लोग आने लगे मिलने के लिए, तो लोगों को लगा कि नहीं, ये कुछ अच्छा काम हो रहा है, तो धीरे धीरे सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो आपके पेरेंट्स आल क्या बड़े हो के क्या बने? हमारे पेरेंट्स व्यापारी थे, तो वो व्यापार में ही ले जाना चाहते थे, और बहुत कोशिश भी किया। हमको घेर घार करके अपने कपड़े की बहुत बड़ी दुकान थी वहाँ भेजने के लिए, लेकिन हमारा मन नहीं लगता था, किसी न किसी बहाने से हम वहाँ से निकल जाते थे। तो अब तक जब से आप जादुई दुनिया में हैं, तब से आपको कितने अवार्डों से नवाजा गया है? हजारों अवार्ड्स हमको मिले हैं, जहाँ जाते हैं वहाँ की उस प्रदेश की सरकार भी देती है, जनता भी देती है, बड़े बड़े फैक्ट्री के लोग देते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं देती हैं, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, गंजेज क्लब, ये सब सम्मानित करती हैं। तो अब तक कितने देशों में आप जा चुके, कहाँ कहाँ आप अपने अपने भारत का नाम रोशन किया है आपने? हमें मॉरिशस, दुबई, इंग्लैंड, जापान, अमेरिका और नेपाल तो हम लोग 4-5 बार गए हैं। कोई ऐसा जादू होगा, कोई ऐसी ट्रिक होगी जो हमारे दर्शकों को आप दिखाना चाहें? जरूर दिखाएं। जादू आंख देखने की स्पीड से तेज वर्क होता है, और उस स्पीड को दर्शक पकड़ नहीं पाते हैं। हाँ, वो पलकों मिनटों का एक पलक जब तक हम लोग झपकते हैं उतनी देर में आपका जादू खत्म हो जाता है। जैसे उसके लिए हम दिखाते हैं, देखिए ये कलर है, इधर से भी इधर से भी जी जी। कोई भी एक संख्या बोलिए 1 से 6 के बीच में। 5 5 FIVE, ये कौन सा कलर है? वाइट। वाइट इधर भी FIVE वाइट है, वाइट है। देखिए, लेकिन हाथ ऐसे करेंगे तो सब वाइट हो जाएगा। आप इसे दर्शकों को दिखाएंगे कि सारे कलर, देखिए आप, इन्होंने बहुत सारे कलर दिखाए थे लेकिन अब सारे कलर वाइट हो गए हैं। इधर भी है और इधर भी है, देखिए। फिर हाथ ऐसे कर देंगे, फिर सब कलर चेंज हो जाएगा। सारे कलर हमारे चेंज हो गए, वाइट से फिर से रंगीन कलरों में ये तब्दील हो चुके हैं। ये थे हमारे साथ भारत के मशहूर जादूगर ओपी शर्मा, जिन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से हमें दिखाया कि जादू का मतलब क्या होता है, पलक झपकते ही हम कैसे जान जाते हैं कि ये जादू हुआ है, लेकिन वो असल में जादू नहीं, एक ट्रिक होता है। कैमरामैन शिवम के साथ मैं शोभनी वर्मा, KKD News, लखनऊ।